अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज मैं अपना रिव्यू देने वाली हूँ निविया सॉफ्ट बेरी ब्लॉसम। ये जो है निविया की क्रीम जो बहुत अच्छी है, ये वाला जो इसका ये जो इसकी प्रोडक्ट है निविया की, ये मैंने यूज़ की है और मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ। मैंने 4 मंथ्स यूज़ की है और 4 मंथ्स यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, फ्रॉम 3 मंथ्स आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और आई थॉट के चलो जब मैं 3 मंथ इसको अच्छे से यूज़ कर लूँ, बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम रह जाएगी, देन मैं इसके बारे में डिटेल रिव्यू दूँगी। तो हाँ, ये मैंने ट्राई की है, बिकॉज निविया का प्रोडक्ट तो वैसे ही बहुत अच्छा है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो स्किन को लेकर तो आई थिंक हमें ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जिस पर हम कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी मर्जी के। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने 3 मंथ तक यूज़ किया है, मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और हर टाइप स्किन के लिए है ये, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, ऑल टाइप स्किन के लिए है। और ये आप इसकी जो ख़ास बात ये है कि ये अगर आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं, नाइट में भी लगा सकते हैं, मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको नाइट में भी लगाएं तो बहुत अच्छी है, मेकअप से पहले भी आप इसको लगाएं, इसको अच्छे से लगाकर अपने फेस पर मसाज करें और फिर 5 to 10 मिनट्स के बाद आप अपना फेस वॉश कर लें, या फिर आप चाहें तो आप कॉटन के साथ अपना फेस साफ कर लें, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो मेरी स्किन तो इससे काफ़ी हेल्दी हुई है। और ये हाँ, इसमें सनस्क्रीन नहीं है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप ये क्रीम लगा रहे हैं तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन भी अपने फेस पर लगाएं, बिकॉज इसमें कोई सनस्क्रीन नहीं है, ये लाइट क्रीम है। और अगर आप इसको नाइट में अच्छे से अपने फेस पर मसाज करें तो आई थिंक आपको कहीं पार्लर या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मेरी स्किन हेल्दी भी हुई है। और आई थिंक समर्स में या विंटर्स में आपको हर सीज़न में अपने फेस पर कोई ना कोई लाइट क्रीम ज़रूर लगानी चाहिए, अपना जो फेस है उसको मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए। तो इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र, अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ करें, बिकॉज आप इसको अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर, अपने हैंड्स पर भी लगा सकते हैं, अपने नेक पर, अपने फेस पर, अपने हैंड्स पर लगाएं। इससे आपकी ये कि आपकी स्किन को ये वाइट भी करता है, आपकी स्किन को हेल्दी भी बनाता है। और नाइट क्रीम भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिफोर द मेकअप भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत लाइट सा फार्मूला है इसका और आई लव दिस प्रोडक्ट। और इंशाल्लाह मैं अब दोबारा भी इसे बाई करूँगी, या हो सकता है कोई नई प्रोडक्ट ट्राई करूँ इसका, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सो दैट वाज माय रिव्यू, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।